तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आप लोगों के बार बार रिक्वेस्ट के बाद से रियलमी की तरफ से रियलमी 6 में आपको नया अपडेट आ चुका है। इस अपडेट में बहुत सारे आपको नई फीचर्स मिली है और बहुत सारे चेंजेस भी किए, कुछ बग को फिक्स किया गया। तो वो कौन कौन सी नई नई चेंजेस है, कौन से बग को फिक्स किया गया, क्या इसमें आपको अपडेट को नया मिल रहा है, किस तरह से आपको अपडेट करना है, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप कर पाएंगे। पहले वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिए। हेलो दोस्तों, लेटेस्ट जानकारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शाकिब। आगे बढ़ने से पहले आप छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए इसी तरह की बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस के लिए। जी हां दोस्तों, Realme की तरफ से आपने जो थंबनेल पे देखा वो बात बिल्कुल सच है। Realme की तरफ से Realme में 6 में आपको B.33 वाला अपडेट आ चुका है। ये अपडेट आपको 32 के बाद आया था और इसमें से सबसे पहला जो आपको अपडेट में जो फीचर्स मिलता है वो आपको इसमें गूगल पे का आपको एप्लीकेशन इसमें आपको इस अपडेट के थ्रू मिल चुका है। वो कंपनी आपको गूगल पे जो होता है ना पेमेंट वाला एप्लीकेशन, वो ऑटोमेटिक इसमें आपको मिल जाएगा। ऑटोमेटिक आपको ये इंडिया के लिए है और ये रियलमी 6 में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरी अपडेट में जो फीचर्स मिलते हैं वो आपको इसमें हिब्रू जो सिस्टम वाला लैंग्वेज है वो इसमें ऐड कर गया है। वो इसके बाद से आप हिब्रू वाला सिस्टम में जो लैंग्वेज है वो आप इसे आराम से यूज कर पाएंगे। जो तीसरी इसमें अपडेट के बाद जो आपको फीचर्स मिलते हैं उसमें आपको फिक्स कर दिया गया है। इसमें आपको डिफॉल्ट लॉक वाला जो वॉलपेपर, आपको 6 लॉक वॉलपेपर आपको मिल गया है इस अपडेट के बाद से। आराम से आप अपडेट कीजिए, अपडेट के बाद जाइए सेटिंग में, वहां जाके आप देखिएगा कि आपको आराम से डिफॉल्ट लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर आपको मिल चुका है। इसके बाद आपको फिक्स कर दिया गया है जो इशू आपको होती थी इंस्टाग्राम ओपन करने में, कुछ कुछ आपको स्प्लिट स्क्रीन वाली, उसको फिक्स कर दिया गया इस अपडेट के थ्रू। आप इसके बाद से आपको इंस्टाग्राम जब आप यूज़ करेंगे उसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन वाली इशू जो होती थी वो आपको स्प्लैश स्क्रीन वाली वो आपको अब इशू नहीं मिलेगी। इसके बाद जो है अपडेट उसमें आपको फिक्स कर दिया गया कौन सा इशू, भाई जो गेम्स खेलने में आपको 0 FPS आपको शो कर रहा था, फिर FPS का मतलब आप फ्रेम पर सेकंड होता है, वो आपको आराम से गेम स्पेस में ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा, आपको 0 FPS देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका बग था, इसको आपके काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद से इसको Realme ने फिक्स कर दिया Realme 6 में, ध्यान रहे। इसके बाद जो लास्ट और जो अपडेट है उसमें इन्होंने बताया है कि हमने फिक्स कर दिया बहुत सारे अननोन इशू को और सिस्टम की स्टेबिलिटी को और बेटर बनाया और इसको आराम से इसमें और उसको ऑप्टिमाइज करके और बेटर बनाया गया, तो इसको स्मूथ बनाया गया है। इसका मतलब बहुत सारा जो अननोन बग था उसको भी फिक्स कर दिया। तो ये था Realme की तरफ से Realme 6 में B.33 वाला अपडेट। और ये अपडेट फिलहाल रोल आउट फेज में बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला होगा। जिन लोगों को नहीं मिला है तो मैनुअली में लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में थ्रू आप जाइएगा। जाने के बाद आराम से सॉफ्टवेयर अपडेट Realme का जो वेबसाइट है उस पर ये आपको अपडेट आ चुका है। और ध्यान रहे, इस अपडेट में जो साइज इसकी जो मैनुअली अगर अपडेट करेंगे तो आपके पास उतनी GB और खाली होगी तभी आप कीजिएगा। 3.02 GB इसकी साइज है, अगर आपके पास इतना स्पेस है तभी करना, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, वरना 10 से 15 दिन में अंदर में आपको ये अपडेट मिल जाएगा आसानी से। तो कर सकते हैं जल्दी में तब जाए करना। फिलहाल बताइए कैसा आपको लगा ये अपडेट और कितने लोग को ये अपडेट मिल चुका है नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और दोस्तों वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाए, वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जितने भी Realme 6 के फैन हैं जो भी यूज़ करते हैं उन लोगों को पता चल पाए भाई Realme 6 में नया अपडेट आ चुका है B.33 वाला, जिसमें ये सब सारे फीचर्स मिल रहे हैं। दोस्तों एक चीज़ और, हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए इसी तरह की बेहतरीन बेहतरीन वीडियो के लिए, वरना फ्यूचर में आपको इससे बेटर बेटर वीडियो के लिए आप मिस कर जाओगे। जल्दी से इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक चीज़, हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना भाई, वहाँ पर जो भी आपकी बात है या छोटी मोटी जो भी अपडेट होती है जो मैं बता नहीं सकता वीडियो में वो मैंने पहले वहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, जिससे आपको आसानी से वहाँ पर मालूम हो सके या मुझसे आप पर्सनल दिल खोलकर बात कर सकते हैं। और दोस्तों घर पे रहिए, सेफ रहिए दोस्तों, और प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे करना, मैं भी मुंबई में हूँ यार, बहुत हालत यहाँ ख़राब है। तो प्लीज़ दोस्तों घर पर रहिए, सेफ रहिए, और दोस्तों बस दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।